तहरीक अदम एतमाद से कबल सबकी नजरें सिंध हाउस इस्लामाबाद पर लगी। मुबैना तौर पर पीटीआई के नाराज अरकान असम्बली में मुकीम हुकूमती राबतों के बावजूद मिलने से इनकार। पीपल्स पार्टी को सिंध हाउस पर टाइगर फोर्स के हमले का खतरा। अराकीन ने आईजी पंजाब से सिक्योरिटी मांग ली। सिंध पुलिस तैनात करने की दरख्वास्त भी कर दी। पीटीआई अराकीन असम्बली की भी सिंध हाउस में रहाइश की दरख्वास्त। अदम एतमाद पर पहुंच गई मगर हुकूमत अपने अरकान को ना बना सकी। वजीर अला पंजाब के इलाके से ही हुकूमती अराकीन मुबैना तौर पर रुपोश है। डी जी खान डिवीजन के नाराज एम एन एस को मनाने की तमाम कोशिशें नाकाम। सराय के मुताबिक नाराज अराकीन में ख्वाजा शेराज, अमजद फारूक, रियाज महमूद, जाफर लगारी और बासर सुल्तान नून लीग में जाने के लिए तैयार हैं। तमाम मालूम तय पा चुकी। आर्मी अदारे ह्यूमन राइट्स आवाज़ की हुकूमत पाकिस्तान से अपील। अदारे का कहना है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो आइन पर चले और अदम एतमाद की तहरीक पर धमकी या तशद्दुद के बगैर वोटिंग की इजाज़त दे। हुकूमत और अपोजिशन जमाती अमल को सुपुर्दाज़ न करें। सुप्रीम कोर्ट बार ने वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पर सियासी जमातों में मुमकिन तज़ादम रोकने की आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया कि सियासी जमातों में बयान से अदम एतमाद पर वोटिंग के रोज़ तज़ादम का बड़ा खतरा है। सुप्रीम कोर्ट तमाम स्टेक होल्डर को अदम एतमाद का अमल पुरअमन अंदाज से मुकम्मल करने का हुक्म दे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सूबाई वुज़रा मोहम्मद सप्तैन खान, डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलक और हाफिज़ मुमताज़ अहमद की मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने पर बातचीत। महकमों की कारकर्दगी के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। उस्मान बुज़दार बोले कि अपोजिशन रहनुमाओं के सीने में दिल नहीं बल्कि इक्तदार की हवस है। मनफी सियासत करके कौमी यकजहदी को नुकसान पहुँचाया। वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़ीर असद उमर ने जलसों में शिरकत पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौकफ अपनाया कि सदारती हुक्मनामे के बाद इलेक्शन कमीशन पाबंदी नहीं लगा सकता। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म का बयान हल्फी ना होने का इतराज़ लगा दिया। दरख्वास्त इतराज़ के साथ ही आज समाअत के लिए मुकर्रर।